आपकी आपकी ऑडियो हेलो 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 माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक हेलो भाई मुझे ही दिखाओगे एक ही ओके सो कैसी लगी फिल्म फिल्म बहुत अच्छी लगी धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा काम है बॉबी देओल जी बहुत स्मार्ट लगे हैं और काफ़ी कॉमेडी फिल्म है सबको देखनी चाहिए सो अगर बात करी जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कितनी पसंद आई आपको एक्चुअली फिल्म क्या इंडिया शूट है पूरा वो सेकंड वाला बाहर का था ये ज़्यादा बेटर लगा उससे तो कितना रिलेट कर पाया धर्म पाजी से अपना सनी पाजी से ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है तीनों की और धर्मेंद्र जी का बहुत काम बढ़िया रहा है कितना हंसा है कितना इमोशनली टच किया नहीं इमोशनल भी था कॉमेडी भी था और बहुत अच्छा रहा है सब कुछ सलमान भाई की एंट्री बहुत बढ़िया रही सलमान जी की एक्टिंग फिर से देखना चाहेंगे फिल्म हाँ देखना चाहेंगे जरूर कितने स्टार देना आउट ऑफ 5 4 स्टार थैंक यू सो मच सो कैसी लगी फिल्म बहुत अच्छी मजा आ गया देख के तीनों देवल्स को एक साथ थर्ड तीसरी बार कुछ देखने मिला फ्रेम पे हाँ मैं वेट कर रहा था इस मूवी का बहुत दिनों से सनी पाजी का फैन हूँ धर्म सर वो तो लीजेंड है ही तो बहुत वेट कर रहा था मज़ा आ गया देख के इतनी अच्छी कॉमेडी और कोई गलत सीन भी नहीं है पूरी फैमिली जाके देख सकती है आई थिंक देखना चाहिए सबको इतनी अच्छी मूवी है कुछ इमोशनल और कॉमेडी टच पिक्चर कैसा लगा हाँ ये बहुत अच्छा लगा कॉमेडी है शुरुआत होती है फिर बीच में जाके थोड़ा इमोशन सा डालते हैं उसमें तो वो भी हो गए वो बीच में थोड़े इमोशनल हो जाते हैं सनी पाजी वो थोड़े इमोशनल तो वहाँ भी थोड़ी सी ऐसे आंखें नम हो जाती हैं फिर दोबारा से कॉमेडी जोन में लेके आना ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है एक्टर तो अपने है ही मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे क्या कुछ कंपेयर कर सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड को कर सकते हैं क्योंकि सेकंड इतना अच्छा गया नहीं था फर्स्ट बहुत अच्छा था थर्ड आई थिंक उससे भी अच्छा है स्टोरी बहुत अच्छी है हाँ गाने सब गाने बहुत अच्छे थे राफ्ता राफ्ता आँख मेरी लड़ी है क्यों सलमान भाई भी उसमें सोनाक्षी आ गई रेखा जी आ गई शत्रु जी आ गए और मैं लिटर पी गया लिटल लिटल करके धर्म सर पूरे मस्ती में झूम रहे हैं बहुत अच्छे सॉन्ग कहीं से भी बोर नहीं होते आप so, भाई की एंट्री भाई का कैमियो हाँ कितना इंप्रेस किया वो बहुत मज़ा आया देख के भाई एंट्री करते हैं जब तो फिर सॉन्ग में राफ्ता राफ्ता में तो अच्छा लगता है देख के क्योंकि अभी टाइम है भाई की फिल्म आने में नेक्स्ट लास्टली फिर से देखना चाहेंगे फिल्म हाँ बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 थैंक यू हेलो हमको पिक्चर बहुत अच्छी लगी है हमने धर्मेंद्र जी की ऐसा पिक्चर देखते हैं और सनी देओल जी की पिक्चर गायल देखी घातक देखी धर्मेंद्र जी की अंत पर से स्टार्टिंग से फिल्म लेके आज तक ये भी देखी पंजाब के शेर हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं क्या कुछ याद रहा फिल्म से फिल्म में बहुत अच्छा ही गाने हैं कॉमेडी बहुत अच्छी है एक वो आँख मेरी लड़ी है वो आँख मेरी लड़ी है पास मेरे खड़ी है वो पास मेरे खड़ी है धर्मेंद्र पाजी का कोई डायलॉग याद है आपको डायलॉग सनी पाजी का हाँ सनी पाजी का सनी पाजी का एक बॉक्स याद है वो 2.5 किलो 5 किलो का तो धर्मेंद्र बोलता है ये 5 किलो का हाथ पड़ेगा तो घूम जाएगा गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे हैं स्टोरी कैसी है स्टोरी तो टॉप है आयुर्वेदिक है भारतीय सम्मान है दवाइयों को आयुर्वेदिक और ये मान सकते हैं धर्मेंद्र पाजी में आज भी वो दम है धर्मेंद्र पाजी में आज भी वो पावर है हाँ वो बाबा आज 82 के हैं आज भी कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से पाजी को 5 स्टार या 7 स्टार देने चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू 5 स्टार आई लाइक इट इट्स अ फनी मूवी इट्स नॉट दैट मतलब पिक्चर में वो नहीं है पर मेरे पापा को धर्मेंद्र बहुत अच्छा लगता है सो आई एक्सेप्टेड हिम क्या अच्छा है लाइक माय मदर लाइक सलमान आई डोंट लाइक एनी एक्टर एक्ट्रेस आफ्टर द थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे सारी पिक्चर ही अच्छी लगी मुझे ऐसा नहीं लगा बट फर्स्ट यमला पगला दीवाना वाज वेरी गुड बट दिस इज आल्सो गुड आई लाइक दिस मेन आई लाइक सनी देओल ही शोज दैट स्ट्रेंथ ना दैट इज वेरी गुड इमोशनल टच था कॉमेडी वाज दैट गुड आई मीन द हीरोइन आई डोंट नो हर नेम बट शी वाज वेरी प्रिटी अच्छी भी वॉट एवर हनी न्यू म्यूजिक इज नॉट दैट गुड बट मूवी इज ओके नॉट वेरी गुड लाइक धर्मेंद्र फैन लाइक माई फादर ही वॉज तो लाइक बहुत अच्छी है मुझे अच्छी लगी आई कैन नॉट से वेरी गुड बट नॉट बैड बैड तो नॉट एट ऑल
डायलॉग या कुछ सीक्वेंस आप याद रखें? बहुत तो मुझे कुछ याद नहीं है, समथिंग एजेस नंबर वो बोल रहा था, दैट आई रिमेंबर, इट वाज नाइस। फिर से देखना चाहेंगे? मैं तो एक ही बार देखूंगी, अब ये दो बार देखना चाहेंगे तो इनकी मर्जी है। कितने चाहते हैं ऑटो पायलट? वुड गिव एटलीस्ट 3 तो आई वुड गिव। कैसी लगी? यमला पगला दीवाना बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, और जो धर्मेंद्र जी है, सनी पाजी है, बॉबी डियोल है, तीनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि आप फैमिली को लेके आप जाके एंजॉय कर सकते हो, एक फैमिली दूसरे फैमिली को देख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, प्लीज़ जाइए देखिए। देखो ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि मतलब वो क्या है, वो आप पहली बार वहाँ ठीक है देख रहे हो, वो महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो यमला पगला दीवाना 1 विल ऑलवेज बी स्पेशल, बट दिस इज़ अ रियली गुड मूवी ऑल्सो, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये पिक्चर जो है बॉक्स ऑफिस पे अच्छे करेगी। देखो बॉबी डियोल, सनी डियोल तो है ही लाजवाब, पर बाप तो हमेशा बाप ही रहता है, ठीक है, तो आई थिंक धर्मेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसका एनर्जी लेवल्स ये उम्र पे मतलब बहुत बढ़िया। आई थिंक कॉमेडी कई जगह पे शायद आपको लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा ओवर है, या फिर थोड़ा अंडर है, या फिर लेकिन वो जोक इतना खास नहीं है, पर जिस तरह से वो लोग करते हैं तो आपके चेहरे में हमेशा वो स्माइल आ जाता है। 3 out of 5 स्टार्स डेफिनेटली, राइट, मे बी मोर बट नॉट लेस, 3 stars out of 5, और प्लीज जाके देखिए आप भी और आप भी और आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, सो कैसी लगी फिल्म? यार फिल्म अच्छी है, लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म, जो फैमिली के साथ हम लोग बैठ के देख सकते हैं, वैसी वाली फिल्म है, कोई डबल जो यू नो डबल मीनिंग जोक्स नहीं है, सिंपल से यू नो जोक्स जैसे होते हैं, फैमिली के साथ देख के जो मज़ा आता है बैठ के वो मज़ा आएगा आपको, पंजाबी और गुजराती कल्चर मिक्स किया हुआ है, सो अच्छी लगी। पार्ट 2 की कसर जो थी, पार्ट 2 आप लोगों ने देखी थी, सबको पसंद नहीं आई थी, पार्ट 1 बड़ा अच्छा था, पार्ट 2 डल था, इस ये उसने कवर कर दिया, यानी ये फिल्म अच्छी बन गई। अगर माने तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से ये सबसे बेस्ट है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं यार, पार्ट 1 वाज द बेस्ट, और फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा, और फिर जो पार्ट 2 है वो तीसरे नंबर पे आएगा। क्या केमिस्ट्री देखी बॉबीज देवल, मतलब देवल्स की स्क्रीन पे? देवल्स की स्क्रीन पे केमिस्ट्री हमेशा से अच्छी रही यार, वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, स्पेशली धर्मेंद्र जी जो है वो यार आज भी चुंबक की तरह लोग चिपक जाते हैं जब वो आते हैं स्क्रीन पे, चाम ऐसा है ना उनका, 60 सालों से स्क्रीन पे वो राज कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कमेंट करने वाला भी कौन होता हूँ, ठीक है, वो इतनी बड़ी हस्ती है, सो इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है पहले तो धर्मेंद्र जी की, कि मतलब वो जब बातें ऐसी करते हैं ना कि और देख के, अरे यार मतलब बंदे में मतलब क्या है, अलग ही, ही इज़ ब्लेस्ड, सो वो बात है। और केमिस्ट्री जहाँ तक है, क्या उसे कहते हैं, सनी और बॉबी जितना करते हैं अच्छा करते हैं वो, ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस है, मतलब क्योंकि मैं भी यू नो हमेशा से धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, ठीक है, पापा हमेशा कहते थे मेरे कि हीरो यार ये कैसे आजकल के हीरो है, हीरो तो हमारा धर्मेंद्र होता था, सो यू नो हमेशा से, सो मेरी नज़रें हमेशा वो धर्मेंद्र जी पे गड़ी रहती थी। कॉमेडी इमोशंस, कॉमेडी क्या, इमोशंस सिंपल इमोशंस है, कॉमेडी सिंपल है, क्लीन कॉमेडी और क्लीन इमोशंस, कैसे फैमिली को कैसा पसंद होता है देखना, वैसी वाली फिल्म है। हाँ बाकी भी फिल्में यू नो फ्रेंड्स के साथ जो थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉमेडी देखने जाना चाहते हैं, ठीक है, जो ये सब डबल जो मीनिंग जोक्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वो देखने जा सकते हैं, ठीक है, उनको ही मज़ा आएगा देख के। सो फिर तो कोई हाफ जो आपको याद हो, कोई कंटेंट जो आपको नज़र में आपकी हमेशा रहे, ऐसा ऐसा एक हाँ, जो क्लाइमेक्स में एक पार्ट है, जो कोर्ट रूम का पार्ट है, वो उसमें कुछ जो फनी मोमेंट्स है बहुत, ठीक है, वो बड़ा सही चीज़ याद रहेगा, वो बड़ी कुछ नई चीज़ देखी, अलग चीज़ देखी, और डायलॉग अगर वो डायलॉग तो वो याद है कि मुझे कि वो सनी देओल का डायलॉग है ना 2.5 किलो का, तो धर्मेंद्र जी कहते हैं 5 किलो का है बेटा, तो उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा था। क्या फिर से देखना चाहेंगे? हाँ यार फिर से देख लूँगा फिल्म को, अच्छा फिर से इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो हाँ यार फिर से देख लूँगा, मतलब जैसे जो पार्ट 2 था दैट वॉज नॉट अ वन टाइम वॉच, मतलब एक वन टाइम वॉच, एक बार देखा, हाँ यार ठीक है देख लिया, ये फिल्म देख सकते हैं दोबारा, मतलब एंटरटेनिंग है इतनी। 3 stars out of 5, थैंक यू।